Good morning, class. In today's class, we will read chapter number 3 from your book, Bhashapat. Open your book. Azadi ki khushi. रविवार का दिन था, स्वामी और बेलू खुश थे। एक तो आज छुट्टी थी और दूसरे दादाजी उन्हें उपहार दिलाने वाले थे। दोनों दादाजी के पास आकर बोले, दादाजी आपको अपना वायदा याद है? बिल्कुल याद है, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम तैयार हो जाओ और चलते हैं। दादाजी, स्वामी और बेलू बाजार गए। दादाजी एक दुकान के सामने रुक गए। ऊपर बोर्ड पर लिखा था, पालतू पशु पक्षी। सामने एक व्यक्ति मुस्कुराया, आओ सर, नमस्ते। बहुत खुशी हुई, आज आप मेरी दुकान पर आए। दादाजी अचंभित हो गए। अरे आनंद, तुम? पीछे से बेलू बोला, अंकल आपके पास सफेद बालों वाला पिल्ला है? हाँ हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ। आनंद ने पिल्ला दिखाया। सबको देखकर पिल्ला अपनी पूंछ हिलाने लगा। दादाजी को पसंद आया। वे बोले, हाँ तो यह उपहार कैसा लगा? कैसा है? बहुत अच्छा दादाजी, हम यहीं लेंगे, इसका नाम रखेंगे रैम्बो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। रविवार का दिन था, कौन सा दिन था? रविवार, संडे का दिन था। स्वामी और बेलू खुश थे। दो दो लड़के थे, एक का नाम था स्वामी और एक का नाम था बेलू। वह दोनों बहुत खुश थे। एक तो आज छुट्टी थी और दूसरे दादाजी उन्हें उपहार दिलाने वाले थे। वो क्यों खुश थे? क्योंकि उनकी आज छुट्टी थी और उनके दादाजी उन्हें उपहार मतलब गिफ्ट दिलाने वाले थे। दोनों दादाजी के पास आकर बोले, दादाजी आपको अपना वायदा याद है? वायदा मतलब वचन, वादा। बिल्कुल याद है, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम तैयार हो जाओ। ये किसने बोला? दादाजी ने बोला कि बिल्कुल याद है, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था कि तुम तैयार हो जाओ, आओ चलते हैं। दादाजी स्वामी और बेलू बाजार गए। वह तीनों बाजार चले गए। दादाजी एक दुकान के सामने रुक गए। ऊपर बोर्ड पर लिखा था पालतू पशु पक्षी। वहां उन्हें एक बोर्ड दिखा बाजार में, उस पर क्या लिखा था? पालतू पशु पक्षी। सामने एक व्यक्ति मुस्कुराया, आओ सर, नमस्ते। सामने वहां दुकान पर एक कौन खड़ा था? एक व्यक्ति खड़ा था। वो मुस्कुराया और उसने क्या बोला? आओ सर, नमस्ते। बहुत खुशी हुई, आज आप मेरी दुकान पर आए। उसने ये भी बोला कि आज मुझे बहुत खुशी हुई, आप मेरी दुकान पर आए। दादाजी अचंभित हो गए। अचंभित होना मतलब आश्चर्यचकित हो गए, वो चौंक गए। अरे आनंद, तुम? उन्होंने उसे देखा और वो चौंक गए कि अरे आनंद तुम? पीछे से बेलू बोला, अंकल आपके पास सफेद बालों वाला पिल्ला है? बेलू ने उस दुकान वाले से पूछा कि आपके पास सफेद बालों वाला पिल्ला है? उस दुकान वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ। आनंद ने पिल्ला दिखाया। सबको देखकर पिल्ला अपनी पूंछ हिलाने लगा। उन सबको देख के पिल्ले ने खुशी से अपनी पूंछ हिला दी। दादाजी को पसंद आया। वे बोले, हाँ तो यह उपहार कैसा है? उन्होंने बोला कि हाँ तो ये उपहार कैसा लगा, तुम लोगों को पसंद आया? तो बच्चों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा दादाजी, हम यही लेंगे, इसका नाम रखेंगे रैम्बो। क्या सोचा उन्होंने कि इसका नाम क्या रखेंगे? रैम्बो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।